अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास लेंथ है, मास, टाइम और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती है, मीन जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब हर फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें दो करेक्टरिस्टिक जो है वो कॉमन होती है, एक उसकी एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी और दूसरा उसका यूनिट होगा। जैसे हमारे पास है एक स्टूडेंट की हाइट जो है हम मेजर करते हैं 90 सेंटीमीटर, तो ये 90 जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और सम जो है ये इसका यूनिट है, वो किस यूनिट में क्वांटिटी मेजर की जा रही है। अब इन दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब करना, 90 को हम कह दें इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। या सेंटीमीटर है, इसको अलग से डिस्क्राइब करना, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। जब हमारे पास मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो और उसका यूनिट है वो दोनों मिलेंगे, फिर उसका कोई फिजिकल मीनिंग हमारे पास आएगा। जैसे 90 सम है। अब इसकी टाइप्स भी आते हैं, फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उनकी दो टाइप्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। टू टाइप्स है हमारे पास, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो एक फाउंडेशन फ्रॉम करती हैं, बेस फ्रॉम करती हैं दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव करने के। द क्वांटिटीज विच आर नॉट डिराइव फ्रॉम द अदर क्वांटिटीज बट अदर क्वांटिटीज आर डिराइव फ्रॉम दीज क्वांटिटीज, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। अब हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो एक फाउंडेशन है दूसरी क्वांटिटीज के लिए। वो 7 है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम कहते हैं ये बेस क्वांटिटीज हैं, ये एक बेस फ्रॉम कर रही हैं दूसरी क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए। नेक्स्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which are derived from the base quantities are called derived quantities। जैसे हमारे पास जितनी भी derived quantities हैं वो इन 7 base quantities से हम derive कर सकते हैं, इनकी मदद से हम सब derived quantities लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास work है, force है, वॉल्यूम है, बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो बेस क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास 7 हैं।